आदिपुर श्रीवास्तव आपको माय आर्ट बुक का नया पैटर्न दिखाने जा रहे हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको अलग टाइप के पैटर्न देते हैं। तो इसमें देखिए माय आर्ट बुक को हम लोग अभी कूल कर डालेंगे और पीछे हमने वार्म कलर लिए हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग मंडला करेंगे, चाहे तो आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं या फिर मल्टी कलर से भी कर सकते हैं, पर हम इसमें ब्लैक से करेंगे। ब्लैक कलर के पेन से हम इसमें मंडला करेंगे। तो अभी पहले इस पर भी हम कलर डाल लेंगे ताकि प्लेन कलर डल जाए, उसके बाद हम मंडला का काम करना शुरू करें। ठीक है, कुछ कुछ जगह जैसे यहाँ रह गया, यहाँ कलर डालना बाकी रह गया है, यहाँ रह गया है, इस जगह रह गया है, यहाँ पे रेड कलर रह गया आपका, ये रेड कलर आपको दिखेगा, इतना इतना येलो रहेगा, इतना रेड रहेगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको और भी करते हैं। तो आप नए नए टाइप का पैटर्न बना करके अपनी ड्राॅइंग को बहुत अच्छा बनाएं, बच्चों को काफ़ी आइडिया आने लगा आजकल। पैटर्न बना लेने इस टाइप से आप कुछ कुछ वेव्स लाइन इस टाइप से खींच लेनी है आपको। इसमें ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू आप इसमें डाल सकते हैं और सिर्फ डार्क से हम उसमें काम वर्क करेंगे। आप हल्का हल्का से ड्राइंग बना लेना है। ये बुक को हम लोग येलो अच्छे से कलर करेंगे, ड्राइंग बुक बनाएंगे इसको। इस टाइप से अलग अलग कलर भरेंगे हम लोग। ठीक है, इस टाइप से देखिए इसको कंप्लीट कर लेना है ड्राइंग बना करके। ये देखिए हमने रेडी कर लिया है। और ये जो पीछे कलर है वार्म कलर है और जो हमने ये बुक्स लिखा है माय आर्ट बुक वो कूल कलर है। अब हम ब्लैक मार्कर लेकर के और आपके मंडला कलर अलग अलग पहनाते हैं, बट बच्चों का एक ही पेन है, आप अलग अलग पेन भी ले सकते हैं। मोटे ब्रश से नहीं करवा रहे हैं, मैंने बच्चे मोटे मोटे कर देंगे। इसमें आपको ऐसे लाइन करनी है पूरी इस बुक को। अभी पीछे के बेस से हमने लाइट कलर कराया है ताकि ब्लैक कलर आपको अच्छा दिखे। इसको आपको और मोटा करना है, जो भी आपकी लाइन होगी उसको थोड़ा डार्क कर देना है, नहीं तो भी पेंट ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो जो मोटे होंगे वो बाद में हम ब्रश से करवा देंगे, पहले हल्के हल्के डिज़ाइन से भरने हैं इसमें। तो इस तरह से पूरे इसको डिज़ाइन से भर देना है, फिर ये माय आर्ट बुक रेडी होगा। मंडला कर रही है धीमे धीमे तो पूरा ड्राइंग इसको भरना है, तो अभी टाइम लगेगा धीमे धीमे इसमें। अभी इसे ब्लैक से बाद में अच्छे से आउटलाइन होगी, अभी केवल सिंपल से बनाते जा रहे हैं। अलग अलग कंप्लीट हो जाएगा, सारे बॉक्सेस में अलग पैटर्न रहेंगे। इस टाइप से कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट हो गई है, इसको हम ब्लैक से आउटलाइन करने जा रहे हैं। बच्चे ने पूरा कंप्लीट किया है, इसको हमको ब्लैक से आउटलाइन करना है। देखिए यहाँ पे भी आप छोड़ दिए, यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। वो देखिए आप लोग वहाँ बैठी हुई आराम से, यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। इनकी ड्राइंग को हम लोग को ठीक करना पड़ता है बच्चों को। बच्चे हाफ करते हैं, हाफ हमसे करवाते हैं और हम भी कर देते हैं, क्योंकि मुझे ये वीडियो डालना पड़ता है अपने यूट्यूब पे, इसलिए हम बच्चों का हेल्प कर देते हैं। ये देखिए सब ब्लैक से इसकी आउटलाइन करनी, जितनी ड्राइंग है इसकी आउटलाइन करनी है आपको, पूरा ब्लैक से इसकी आउटलाइन करनी है। ये जो वाइक है इसको भी आउटलाइन करना है ब्राइट ब्लैक से, ताकि ये ड्राइंग बाहर दिखे अच्छे से। सुनिए, इसको पूरा कंप्लीट करना है आपको। ये देखिए इसको फिर हम कंप्लीट करेंगे। ये सारे ड्राइंग को आउटलाइन करना है आपको ऐसे ऐसे, ताकि माय आर्ट बुक प्रॉपरली आपको दिखे। ये देखिए अब इसको भी आउटलाइन करनी है, तभी आपको ये ड्राइंग प्रॉपरली दिखेगा। उसके पहले आपका ड्राइंग दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, इसको आउटलाइन अच्छे से करना है। अब इसके बाद यहाँ पे लाइन करनी है। बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, बिल्कुल सब मेरे ऊपर छोड़ देते हैं ये लोग और मुझे ठीक करना पड़ जाता है। ये देखिए इस टाइप से ये ब्रश दिखना चाहिए ऐसे। बच्चों की ड्राइंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है, काफ़ी अच्छा वो लोग करने लगे हैं अभी। अब आपको देखिए माय आर्ट बुक पूरा प्रॉपरली दिख रहा होगा। इस टाइप से पूरी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेना है और इसको बॉर्डर करना है आपको। ये देखिए ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इस टाइप से माय आर्ट बुक को आप कवर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ब्रश को भी अच्छे से स्ट्रोक देना है ब्लैक से, बिल्कुल ब्रश को आपको एकदम आगे से पकड़ना है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप माय आर्ट बुक अपना रेडी कीजिए। थैंक यू इस वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा आप लोग इस वीडियो को।